कमली नहीं, यह है संजू बाबा के असली दोस्त, जिन्होंने हर मुश्किल घड़ी में दिया संजय दत्त का साथ। रणबीर कपूर स्टारर और संजय दत्त की जिंदगी पर आधारित फिल्म संजू बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। रिकॉर्ड तोड़ 34 करोड़ की कमाई कर फिल्म साल 2018 की पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिल्म में संजय दत्त की जिंदगी से जुड़े तमाम छोटे बड़े किस्सों को राजकुमार हिरानी ने हूबहू पर्दे पर उतारा है। संजू में रणबीर कपूर के बाद किसी कलाकार की सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है तो वो हैं परेश रावल और विक्की कौशल। परेश रावल के बारे में तो सभी जानते हैं कि उन्होंने सुनील दत्त का किरदार निभाया है, लेकिन फिल्म देखकर आपके जहन में भी सवाल उठ रहा होगा कि दरअसल फिल्म में विक्की कौशल ने जो कमली का रोल निभाया है वो संजय दत्त के किस दोस्त पर आधारित है। दरअसल फिल्म में जिस दोस्त के बारे में बताया गया है उनका नाम कमली नहीं बल्कि उनका असली नाम परेश गिलानी है। संजू बाबा के दोस्त परेश बिजनेसमैन हैं और लॉस एंजेलस में रहते हैं। परेश से संजू की दोस्ती स्कूल के दिनों में हुई थी। परेश हमेशा संजय दत्त के साथ हर मुश्किल वक्त में रहे। हालांकि फिल्म में दिखाया गया है कि परेश नरगिस दत्त के बड़े फैन हैं और उनकी मुलाकात संजय दत्त से नरगिस दत्त की बीमारी के दौरान होती है, जब वो नरगिस के कमरे में गणपति रखने जाते हैं। परेश चट्टान बनकर हमेशा संजू के साथ हर मुश्किल वक्त में रहे। संजय दत्त जब ड्रग्स की लत से जूझ रहे थे तब भी और जब बाबा जेल गए तब भी दोनों की दोस्ती वक्त के साथ गहरी होती चली गई। हालांकि परेश स्वभाव से बेहद शर्मीले हैं, इसलिए संजू बाबा के साथ कभी भी स्पॉटलाइट में आने से बचते रहे हैं। गिलानी एक उद्यमी और आत्मनिर्भर व्यापारी हैं। उन्हें आज एक बिजनेस टाइकून के तौर भी जाना जाता है। गिलानी मून एक्सप्रेस, एक सरप्राइज और रेडीमुने जैसी कंपनियों का हिस्सा है। यह कंपनियां आज दुनिया भर में वैश्विक चुनौतियों को हल करती हैं। बता दें संजू इसी शुक्रवार सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म को फैंस के साथ सेलेब से भी बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो संजू ने 116.68 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म में रणबीर कपूर के अलावा परेश रावल, मनीषा कोईराला, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा, विक्की कौशल जैसे कई कलाकार हैं।